हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सोम के सीरीज को, ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो है, जो सोम का नाम बदल के जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स किया गया है, ठीक है ना, इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने कल बताया था कि जो भी बीम है उस पर जो वर्किंग लोड है, उस वर्किंग लोड के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि बीम जो है पे कैसे कैसे लोड आ सकते हैं, जिसमें हमने आपको कुछ टाइप्स बताए थे। जैसे यूडीएल के बारे में बात किया गया था, यूनिफॉर्मली के बारे में बात किया गया था, तो उस लोड को थोड़ा हम लोग यहाँ पे जिक्र करते हैं आज, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए जो बीम पर लोड वर्क करता है, उसमें सबसे पहले आपको लिखवाया गया था यूडीएल। यूडीएल इसका फुल फॉर्म हमने बताया था पिछले वीडियो में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब देखिए यूडीएल होता क्या है। मान लीजिए ये बीम है, हमने बताया भी था कि बीम पे ही क्या होता है, या किसी मेंबर पे ही लोड आते हैं। तो मान लीजिए ये मेंबर है, ठीक है। अब जो है इस पे लोड कार्य कर रहा है, तो अगर जो है इस बीम पे लोड, ध्यान दीजिएगा, अगर इस बीम पे लोड पूरे स्पान तक जितना इसका लेंथ है, मान लीजिए इस बीम का लेंथ L है, इसके पूरे स्पान तक समान इंटेंसिटी का, यानी लोड ना बढ़ेगा उससे ज़्यादा ना कम होगा, समान इंटेंसिटी का लोड कार्य करे, यानी मान लीजिए अगर यहाँ पर W लोड कार्य कर रहा है, तो यहाँ भी W कार्य करेगा, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस सारे स्पॉन पे कितना लोड कार्य करेगा, W कार्य करेगा। ये देखिए, ये जो लोड हो गया W किलो न्यूटन पर मीटर, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो है ये प्रत्येक लेंथ पे उतना ही लोड कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए, इस लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक चीज़ आप लोग और देख रहे होंगे कि अगर हम लोग इस लोड को रिप्रेजेंट करें तो इस तरह बनाने में समस्या होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी मतलब क्या हुआ, W किलो न्यूटन पर मीटर, कितने लेंथ पे, L लेंथ पे। तो नीचे लिखिए UDL के नीचे, यदि लिखिए, नीचे लिखिए UDL में, यदि किसी बीम पर कार्य करने वाले लोड की इंटेंसिटी उसकी पूरी लंबाई में समान हो, तो ऐसे लोड को UDL कहते हैं, तो ऐसे लोड को UDL कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है UDL का डिफिनीशन आपको मिला। अब देखिए, ये UDL लोड कार्य कर रहा है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल लोड कितना होगा, तो देखिए मैं सबके साथ साथ टोटल लोड निकालते चलूँगा। देखिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल लोड बताइए इस UDL में क्या होगा, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, बस यहाँ पे वर्किंग टोटल लोड इज इक्वल टू होगा वर्किंग लोड एरिया, यानी जो है जो लोड वर्क कर रहा है उसका एरिया कितना है। देखिए, वर्किंग लोड एरिया के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करें, तो ये देखिए, यही तो लोड वर्क कर रहा है। देखिए, वर्किंग लोड एरिया इसका क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो आप देखते हैं इसका वर्किंग लोड एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई W और लंबाई कितना हो जाएगा, L। W का यूनिट कितना है, न्यूटन, किलो न्यूटन पर मीटर, इस लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, तो मीटर और पर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन।
यानी जो है टोटल लोड जो है इसका कैपिटल W बराबर हो गया W इंटू L, ठीक है ना। अब देखिए जो W इंटू L है वो कहाँ से कार्य करेगा, तो आप सभी लोग जानते हैं मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो लोड है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कार्य करता है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ से कार्य करेगा डब्ल्यू एल, और यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर से कितने दूरी पर होगा, एल बाई टू दूरी पर। तो ये जो है यूडीएल के कंसेप्ट को इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, लिख भी लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अब जो है यूडीएल के बाद जो दूसरा लोड आता है ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम लोग यहां से देखें तो आप देखिए दूसरा जो लोड है इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला लोड हमने यूडीएल के बारे में बात किया था, दूसरा जो लोड है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड यानी UVL, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे फुल फॉर्म। मैं फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे UVL के बारे में बात करें तो ये देखिए कैसे लोड लगा रहेगा, ये मान लीजिए बीम है, ठीक है, ठीक है, देखिए ये क्या है, मान लीजिए यहां पे लोड कार्य कर रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर, और यहां देखिए लोड है ही नहीं है, जीरो, ठीक है ना, और ये स्पान मान लीजिए यह है, देखिए। तो यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड का मतलब ये होता है कि जो लोड है वो कॉन्स्टेंटली जो है पार्टिकुलर किसी डायरेक्शन में, जो बीम का पार्टिकुलर कोई लेंथ है उसके डायरेक्शन में वो क्या करता है, बढ़ता जाता है। तो नीचे लिखिए, नीचे डिफिनेशन लिखिए, ऐसा लोड, नीचे डिफिनेशन लिखिए, ऐसा लोड जो समान इंटेंसिटी से, ऐसा लोड जो समान इंटेंसिटी से, ऐसा लोड जो समान इंटेंसिटी से, जो समान इंटेंसिटी से, ऐसा लोड जो समान इंटेंसिटी से, समान इंटेंसिटी से बढ़ता जाता है, ऐसा लोड जो समान इंटेंसिटी से बढ़ता जाता है, ऐसा लोड जो समान इंटेंसिटी से बढ़ता जाता है, उस लोड को, उस लोड को, उस लोड को वायरिंग या यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड कहते हैं, उस लोड को यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड कहते हैं। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा, देखिए कुछ बुक में क्या लिखेगा, घटते हुए, देखिए इधर से आएंगे तो घटते हुए जा रहा है, इधर जाएंगे तो बढ़ते हुए, दोनों सही है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल लोड इसका बताइए, तो टोटल लोड क्या था, टोटल लोड जब भी निकालना है तो क्या करेंगे, वर्किंग लोड एरिया, तो देखिए वर्किंग लोड एरिया इसका देखिए कितना होगा, तो आप देखिए क्या एक ट्रेंगल बना रहा है, यही तो लोड वर्क कर रहा है, देखिए इसमें ये जो है वर्किंग लोड एरिया है। तो अगर यहाँ आप देखें वर्किंग लोड एरिया के बारे में बात करें तो ट्रेंगल का क्या होता है, एक बट्टा दो ऊँचाई डब्लू इंटू लंबाई कितना है एल, यानी यहाँ से जो है डब्लू एल बाई टू क्या हो गया, इसका टोटल वर्किंग लोड एरिया हुआ, और यही क्या हो गया, कैपिटल W इक्वल टू हो गया स्मॉल W L बाई टू। अब देखिए ये वर्क कहाँ से करेगा, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, यहाँ से कार्य कर रहा है W L बाई टू। अब देखिए W L बाई टू जब यहाँ से वर्क कर रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ट्रेंगल के कंडीशन में ये इधर से कितने दूरी पर होगा, आप कहेंगे L बाई थ्री दूरी पे, कितने दूरी पे होगा, L बाई थ्री दूरी पे। तो ये जो है किसके बारे में हम लोग देखे, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड के बारे में। अब जो है तीसरा जो लोड है यहाँ पे, तीसरा डालिए आप लोग लोड, थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं नॉन वायरिंग लोड,
ठीक है ना। थर्ड क्या है, नॉन वायरिंग लोड, यानी ऐसा लोड जो है वो समान इंटेंसिटी से जो है नहीं बढ़ रहा है। जैसे मैंने पहले आप, मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ये मान लीजिए कोई बीम है, ठीक है ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए लोड की स्थिति क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या डिसाइड कर पा रहे हैं कि कैसे लोड बढ़ रहा है। तो देखिए अगर किसी बीम पे लोड कार्य कर रहा है और हम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो इस प्रकार के लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वायरिंग लोड, ठीक है ना। तो नीचे लिखिए, नीचे लिखिए ऐसा लोड जो किसी बीम पर, ऐसा लोड जो किसी बीम पर समान तीव्रता से ना घटता है ना घटता है, तो ऐसे लोड को नॉन वायरिंग लोड कहते हैं। तो ऐसे लोड को नॉन वायरिंग लोड कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से इधर आ रहे हैं, देखिए लोड घट रहा है लेकिन वो भी समान इंटेंसिटी से नहीं, ऊपर देखिए बढ़ने लगा, फिर से घटने लगा, फिर से यहाँ पे बढ़ने लगा, ये जो है नॉन वायरिंग लोड है। देखिए इसका अगर एरिया आपको निकालना है तो इसका इक्वेशन हमको मालूम होना चाहिए। मैंने मान लिया यहाँ पे y इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन है 4x³ x² + 3x, मैंने इसका इक्वेशन मान लिया। तो अगर आपको एरिया निकालना है इसका, तो आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि एरिया अगर आपको निकालना है तो इंटीग्रेट करिए जीरो से कितना, मान लीजिए इसका लेंथ कितना है L, तो जीरो से L और y dx, ठीक है ना। y dx जो है इसका वैल्यू जैसे हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तुरंत इंटीग्रेट कर दीजिएगा और L का मान रख दीजिएगा, एरिया निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ जीरो से L, y का वैल्यू कितना दिया है 4x³ x² + दिया है 3x और इनटू हो जाएगा dx। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे देखिए क्या होगा, ये 4 क्या हो जाएगा बाहर, x का क्या हो जाएगा x⁴⁴, ये क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा x³³ और ये हो जाएगा 3 बाहर x² / 2 और लिमिट कितना हो गया 0 से L। तो आप देखिए क्या करेंगे, जब 0 रखेंगे सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे L रखना है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, L⁴ और यहाँ पर हो जाएगा L³³ और यहाँ हो जाएगा 3L² / 2। तो ये जो है एरिया यहाँ से आपको मिल गया लोड का। तो इतना ही क्या हुआ, यही जो एरिया हुआ, यानी अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे वर्किंग लोड एरिया इक्वल टू क्या होता है, टोटल लोड, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल लोड को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है नॉन वायरिंग लोड पे। खैर आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इतना डिफिनीशन आप जानिए, ठीक है। अब जो है फोर्थ नंबर जो लोड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा कि खूब अच्छे से आप लोग समझ लें, ठीक है। तो देखिए फोर्थ नंबर जो लोड है इसको बोला जाता है पॉइंट लोड। देखिए कोई भी लोड जो है पार्टिकुलर किसी पॉइंट पर लग ही नहीं सकता है। तो हम लोग करते क्या है, मान लीजिए कि ये बीम है, ठीक है ना। अब इस बीम का इतना एरिया है, टॉप व्यू से देख रहे हैं, अब इस बीम का इतना एरिया है, तो अगर मान लीजिए इसके बहुत ही कम एरिया में, इतने एरिया पर अगर लोड कार्य कर रहा है तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे पॉइंट लोड। तो नीचे लिखे डिफिनीशन, लिखिए यदि किसी बीम के, नीचे लिखिए यदि किसी बीम के बहुत ही कम एरिया पर, यदि किसी बीम के बहुत ही कम एरिया पर, बहुत ही कम एरिया पर लोड कार्य करता है, यदि किसी बीम के बहुत ही कम एरिया पर लोड कार्य करता है तो ऐसे लोड को पॉइंट लोड कहा जाता है।
तो ऐसे लोड को पॉइंट लोड कहा जाता है। ये फिगर बना लीजिएगा। तो ऐसे लोड को पॉइंट लोड कहा जाता है। तो ये जो है पॉइंट लोड के बारे में हमने देखा। देखिए ये सारे लोड जो है आ किस पे रहे हैं, बीम पे, लेकिन अभी तक बीम को भी हम लोग उतने अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए बीम। लोड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये सारे लोड किस पे आ रहे हैं, बीम पे। बीम के बाद कौन रेजिस्ट कर रहा है इसको, लोड को, सपोर्ट। ठीक है, तो अब जो है आप हेडिंग डालिए बीम। देखिए बीम होता क्या है, इसके देखिए कुछ शर्त है। पहला शर्त है इसका जिस पे हमने जिक्र कर लिया था, हॉरिजॉन्टल मेंबर। ये क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल मेंबर होना चाहिए, जिस पे हमने बातें पीछे की थी। और इसका दूसरा शर्त है ट्रांसवर्स फोर्स, यानी ऊर्ध्वाधर बल। ठीक है ना, यानी जो है ऊर्ध्वाधर बल कार्य करे। ट्रांसवर्स फोर्स का मतलब देख लीजिए क्या होता है। मान लीजिए बीम है, अब जो है इस बीम के डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल पे अगर लोड कार्य कर रहा है तो इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स लोड। तो यानी दूसरा शर्त क्या होना चाहिए कि ये ट्रांसवर्स लोड होना चाहिए। और तीसरा इसका शर्त क्या रहता है, तीसरा इसका शर्त ये रहता है कि जो ट्रांसवर्स लोड है वो बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के प्लेन पर होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो है TL जो है, यानी ट्रांसवर्स लोड जो है, यह बीम के, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के प्लेन एरिया पर, होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तीन शर्त अगर फॉलो होगा तभी हम लोग बीम बोलेंगे। थोड़ा मैं तीसरे वाले को समझा रहा हूँ आपको, और अच्छे से फिगर बना के मैं इस साइड समझा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 3D फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब जो है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखा जाए तो यही तो होगा, ये होगा। ठीक है, ये जो है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, ये अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन देखिए क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर से बना रहा हूँ इसको। देखिए ये है पूरा एकदम सेंटर पे है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन है। अब जो है जो भी लोड कार्य करेगा ये इस प्लेन पे काम करेगा, चाहे पी काम करे, चाहे यूडीएल काम करे, और चाहे वायरिंग लोड कार्य करे। ये सब किस पे काम करेंगे, ये सब जो है ध्यान दीजिएगा ट्रांसवर्स लोड बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के प्लेन एरिया पर होना चाहिए। देखिए अगर प्लेन एरिया से थोड़ा इधर भी हुआ, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बीम है मान लीजिए इस बीम के एकदम सेंटर पे, इस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लीजिए इससे थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो यहाँ पे तुरंत टॉर्सन आ जाएगा। और अभी हम लोग टॉर्सन पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये तीन शर्त आप अपने हमेशा दिमाग में रखिएगा, तभी बीम बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब जो है, अब जो बीम, ये जो है हम लोग बीम इसको पढ़ लिए। अब जो है सारे लोड किसके पास जा रहे हैं, सपोर्ट के पास। सारे लोड किसके पास जा रहे हैं, सपोर्ट के पास। तो थर्ड जो टॉपिक है हम लोग का, यह है सपोर्ट। क्या है, सपोर्ट। अब देखिए सपोर्ट की बात करें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए
तो आप लोग के सिलेबस में तीन प्रकार के सपोर्ट हैं। पहला है रोलर सपोर्ट, दूसरा है हिंज्ड सपोर्ट, और तीसरा है आप लोगों में फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है ना। तो अगर हम लोग रोलर सपोर्ट देखें तो इसका सिंबल क्या होगा, ऐसे जहां पे बनेगा आप जान जाइएगा ये रोलर सपोर्ट है। ठीक है ना। अगर इस प्रकार का सिंबल जहां दिखे आपको, ये मान लीजिएगा हिंज सपोर्ट है। अगर इस प्रकार का सिंबल जहां पे आपको दिखे, ये मान लीजिएगा फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक है ना। ये जो है सिंबल के बारे में बात की है। तो आप हेडिंग डालिए रोलर सपोर्ट, मैं एक एक को पढ़ाते चल रहा हूँ। रोलर सपोर्ट, क्या हेडिंग डालेंगे, रोलर सपोर्ट। अब देखिए रोलर सपोर्ट होता क्या है, इसमें है क्या कि रोलर सपोर्ट में ये मान लीजिए बीम है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे पी लोड लगा रहे हैं, ट्रांसवर्स लोड लग रहा है पी, तो अगर पी लोड लगा रहे हैं तो रोलर हमेशा क्या करता है, एक रिएक्शन देता है, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। ये इसको बोलेंगे आर वाई, यानी वाई डायरेक्शन में क्या किया है, रिएक्शन दिया है। तो रोलर सपोर्ट में एक चीज़ याद रखिएगा, वन रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या होता है, इस लोड का जो है विरोध करे। तो सपोर्ट क्या करता है, रिएक्शन देता है, तभी तो रेजिस्ट करेगा मेंबर को। तो वन रिएक्शन, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन, यानी एक रिएक्शन क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में देता है। इतना ही जानिए। अभी अगर ज़्यादा आप लोग, जैसे मान लीजिए अगर जेई लेवल की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी तुरंत जो है आप जेई लेवल की तैयारी करेंगे तो यूट्यूब पे वीडियो जो है सोम का केवल, जो मतलब जिसको हम लोग मैकेनिक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना, जो है आपका इस सोम का ही वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, जैसे 150 से प्लस ही वीडियो आपको पढ़ने वाला है। तो इसलिए मैं सिर्फ एकेडमिक अकॉर्डिंग आपका चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत लेवल हाई करूँगा। तो P इज इक्वल टू वन रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, एक जो है यहाँ पे रिएक्शन काम कर रहा है आर वाई, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और वो किसके बराबर है, वो आर वाई पी के बराबर है, ठीक है। अब दूसरा है हिंज सपोर्ट। दूसरा कौन सा सपोर्ट आप डालिए, हिंज सपोर्ट। हिंज्ड सपोर्ट, अब देखिए अगर हिंज सपोर्ट के बारे में बात करें तो इसका सिंबल क्या है, ऐसे है। अब देखिए अगर यहाँ पे पी लोड कार्य कर रहा है और साथ ही साथ इधर से भी हम लोग क्यू लोड लगा रहे हैं, तो देखिए इस क्यू लोड को भी विरोध करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाएगा क्यू, और इस पी को रेजिस्ट करने के लिए ऊपर एक पी काम करेगा। तो यानी देखा जाए तो हिंज सपोर्ट में देखा जाए तो टू रिएक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं, कितने रिएक्शन आ रहे हैं, दो, एक जो है यक्स डायरेक्शन में तो आर यक्स, और एक जो है वाई डायरेक्शन में तो आर वाई। यानी कहीं भी अगर हिंज लगा है तो कितने रिएक्शन देगा, दो, ठीक है ना, कितने रिएक्शन देगा, दो। तो ये हो गया हिंज सपोर्ट के बारे में। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये फिक्स का जो है थर्ड नंबर लिख लीजिए, फिक्स्ड सपोर्ट। अब देखिए फिक्स्ड सपोर्ट के बारे में बात करें थर्ड नंबर, तो फिक्स्ड सपोर्ट के बारे में अगर हम लोग देखें तो अगर मान लीजिए पी लोड यहाँ लग रहा है, इधर से क्यू लोड आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक मोमेंट कार्य कर रहा है, ठीक है ना, एक क्या कार्य कर रहा है, मोमेंट। मोमेंट बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस Q को जब हम इधर खींचेंगे तो देखा जाएगा यहाँ पे Q एक रिएक्शन देगा, इस ऊपर से P लग रहा है तो यहाँ देखेंगे P भी रिएक्शन देगा, और देखिए मोमेंट किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि एंटी क्लॉकवाइज एक मोमेंट भी मिलेगा। तो यानी यहाँ देखा गया कि यक्स दिशा में क्या मिला, एक रिएक्शन, वाई दिशा में क्या मिला, एक रिएक्शन, और साथ ही साथ एक्स वाई प्लेन में क्या मिला, एक मोमेंट मिला, एक क्या मिला, मोमेंट। तो आप याद रखिएगा कि जहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट रहेगा वहाँ पे आपको तीन रिएक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो अगर इतना कंसेप्ट आप रख रहे हैं सपोर्ट के बारे में, तो अब जो है हम लोग चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो इस चैप्टर का इतना बेसिक था, अब हेडिंग डालिए आप लोग
अब हेडिंग डालिए बेंडिंग मोमेंट। क्या हेडिंग डालेंगे? बेंडिंग मोमेंट। और इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।